चीफ फील्ड सर्विसेज भारत इकाई यूनिसेफ सुश्री जलपा रत्ना एवं चीफ फील्ड ऑफिस यूनिसेफ उत्तर प्रदेश डॉक्टर जकारी एडम के नेतृत्व में 8 सदस्यीय टीम ने बुधवार को आईटीएमएस नगर नगर का भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान टीम ने आईटीएमएस और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गोरखपुर द्वारा संयुक्त रूप से किए जा रहे आपदा न्यूनीकरण संबंधी कार्यों की जानकारी प्राप्त की। आपको बता दें कि आईटीएमएस द्वारा मौसम पूर्वानुमान, पूर्व चेतावनी, सर्पदंश रीटेक आपको बता दें कि आईटीएमएस द्वारा मौसम पूर्वानुमान, पूर्व चेतावनी तंत्र, सर्पदंश से बचाव, वज्रपात के दौरान क्या करें क्या ना करें, लू से बचाव तथा समय समय पर अन्य जागरूकता संबंधित संदेशों का प्रसारण किया जाता है। आईटीएमएस में तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने अवगत कराया कि लगभग 45 बच्चे जो कि किन्हीं कारणवश लापता हो गए थे उनको परिवार से मिलाने का काम किया गया है। साथ ही आपदा में प्रभावित व्यक्ति को समुचित उपचार प्रदान कराने के लिए ग्रीन कॉरिडोर उपलब्ध कराया गया है और उक्त व्यक्ति की जीवन रक्षा की जा सकी। 17 सितंबर 2023 को जनपद में आकाशीय बिजली गिरने की संभावना अधिक रही, जिससे बचाव हेतु जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण पूर्व सूचना प्रणाली तंत्र और सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार किया गया, जिसके फलस्वरूप जनपद में कोई जनहानि नहीं हुई। इस दौरान आईटीएमएस तथा प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे नवाचार को टीम ने बहुत सराहा। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं आईटीएमएस आने वाले दिनों में आपदाओं से बचाव और उसके प्रभावों को कम करने के प्रयासों को और अधिक सघन रूप से करने का कार्यक्रम बनाएगा, जिससे शहर में आपदाओं से जनजीवन को सुरक्षित किया जा सके। ये सावधानी बरतना और सुरक्षा उपायों का पालन करना आवश्यक है। आपका स्वागत है हमारे सर्पदंश के दौरान क्या करें और क्या न करें पर आधारित। विषाक्त सांप होते हैं तो यह जानना अति महत्वपूर्ण है कि क्या करना है। याद रखें, त्वरित कार्रवाई जान बचाने में सक्षम होगी। सर से जो लाइन आ रही है लेफ्ट हैंड को खाली कराइए, ये जो भी ड्यूटी में लगे ये लेफ्ट हैंड में, और ये किसी भी रूप में कोई भी वाहन स्टॉप लाइन के आगे खड़े नहीं होंगे। लेफ्ट हैंड को खाली कराइए, ये देख ले शास्त्री चौक की तरफ से आने वाली लेफ्ट हैंड को खाली कराइए, किसी भी रूप में लेफ्ट हैंड ब्लॉक नहीं होना चाहिए। जिनको भी बाएं से बाएं जाना है, बाएं जाने के लिए रास्ता अवश्य दें। मैसेजिंग का जो हम लोग एम्बुलेंस को निकलवाइए, सभी को रोक के निकलवाइए एम्बुलेंस को निकलवाइए किसी भी रूप में एम्बुलेंस का रास्ता अवरुद्ध नहीं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, आज यूनिसेफ की जो इंडिया टीम है वहाँ की चीफ टू फील्ड ऑफिस जो है मैम, और यहाँ यूनिसेफ उत्तर प्रदेश के जो चीफ सर हैं मिस्टर जकारी सर, आज और उनकी पूरी टीम ने आज आईटीएमएस का निरीक्षण किया। और यहाँ पर जिस प्रकार हम लोग आईटीएमएस के माध्यम से इमरजेंसी मैसेजेस सर्कुलेट करते हैं, जन समुदाय तक हम लोग जिस प्रकार लोगों तक सूचना पहुँचा रहे हैं, उसका आज उसके बारे में यहाँ पे उन्होंने अपना अनुभव टीम के साथ साझा किया। एक अच्छा अनुभव यहाँ पे रहा, आईटीएमएस टीम द्वारा बहुत ही अच्छा कार्य किया जा रहा है और समय समय पे जो वज्रपात सर्पदंश आदि से बचाव की जो सूचनाएं दी जा रही हैं उनकी काफ़ी सराहना की गई, और एक बहुत अच्छा मैसेज आज आईटीएमएस टीम द्वारा और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गोरखपुर टीम द्वारा दिया गया है।